नमस्कार, शाखा 9 न्यूज में आपका स्वागत है। नेटो क्षेत्र की पूर्वी सीमा के ठीक बगल में युद्ध हो रहा है और नेटो के कई सदस्य देशों को लग रहा है कि रूस आगे उन पर हमला कर सकता है। सैन्य गठबंधन नेटो, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे शक्तिशाली देश शामिल है, पूर्वी यूक्रेन में अधिक सैनिक तैनात कर रहा है। हालांकि ब्रिटेन और अमेरिका ये स्पष्ट कर चुके हैं कि उनका यूक्रेन में अपने सैनिक भेजने का कोई इरादा नहीं है। पहले आपको बता दें कि नाटो क्या है। नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो 1949 में बना एक सैन्य गठबंधन है, जिसमें शुरुआत में 12 देश थे, जिनमें अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और फ्रांस शामिल थे। इस संगठन का मूल सिद्धांत यह है कि यदि किसी एक सदस्य देश पर हमला होता है तो बाकी देश उसकी मदद के लिए आगे आएंगे। यह यूरोपीय देशों का एक सैन्य गठबंधन है और इसमें भौगोलिक स्थिति के हिसाब से सामरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए सदस्य जोड़े जाते रहे हैं। अपनी भौगोलिक स्थिति और कूटनीतिक कारणों से भारत नेटो का सदस्य नहीं है। दरअसल में नाटो में कोई भी एशियाई देश सदस्य नहीं है। इसका मूल मकसद दूसरे विश्व युद्ध के बाद रूस के यूरोप में विस्तार को रोकना था। 1955 में सोवियत रूस ने नाटो के जवाब में पूर्वी यूरोप के साम्यवादी देशों के साथ मिलकर अपना अलग सैन्य गठबंधन खड़ा किया था, जिसे वॉर्सा पैक्ट नाम दिया गया था। लेकिन 1991 में सोवियत यूनियन के विघटन के बाद वॉर्सा पैक्ट का हिस्सा रहे कई देशों ने दल बदल लिया और वो नेटो में शामिल हो गए। नाटो गठबंधन में अब 30 सदस्य देश हैं। यूक्रेन को लेकर रूस के साथ मौजूदा तनाव क्यों है? यूक्रेन एक पूर्व सोवियत रिपब्लिक है जो एक तरफ रूस से और दूसरी तरफ यूरोपीय संघ से सटा है। यूक्रेन में रूसी मूल के लोगों की बड़ी आबादी है और उसके रूस के साथ सामाजिक और सांस्कृतिक रिश्ते रहे हैं। रणनीतिक रूप से रूस इसे अपना ही हिस्सा मानता रहा है और हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि यूक्रेन वास्तव में रूस का ही हिस्सा है। हालांकि हाल के सालों में यूक्रेन का झुकाव पश्चिम की तरफ अधिक रहा है। उसका यूरोपीय संघ और नाटो का हिस्सा होने का इरादा उसके संविधान में भी लिखा है। फिलहाल यूक्रेन नाटो का एक सहयोगी देश है। इसका मतलब यह है कि इस बात को लेकर सहमति है कि भविष्य में कभी यूक्रेन को नाटो में शामिल किया जा सकता है। रूस पश्चिमी देशों से ये भरोसा चाहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। हालांकि अमेरिका और उसके सहयोगी देश यूक्रेन को नाटो में शामिल होने से रोकने के खिलाफ है। उनका तर्क है कि यूक्रेन एक स्वतंत्र राष्ट्र है जो अपनी सुरक्षा को लेकर निर्णय ले सकता है और गठबंधन बना सकता है। रूस किन और बातों को लेकर चिंतित है? राष्ट्रपति पुतिन का दावा है कि पश्चिमी देश नाटो का इस्तेमाल रूस के इलाकों में घुसने के लिए कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि नाटो पूर्वी यूरोप में अपनी सैन्य गतिविधियां रोक दे। वो तर्क देते रहे हैं कि अमेरिका ने 1990 में किया वो वादा तोड़ दिया है जिसमें भरोसा दिया गया था कि नाटो पूर्व की तरफ नहीं बढ़ेगा। वहीं अमेरिका का कहना है कि उसने कभी भी ऐसा कोई वादा नहीं किया था। नाटो का कहना है कि उसके कुछ सदस्य देशों की सीमाएं ही रूस से लगी हैं और ये एक सुरक्षात्मक गठबंधन है। नाटो ने रूस और यूक्रेन को लेकर क्या क्या किया है? 2014 में यूक्रेन के लोगों ने रूस समर्थक राष्ट्रपति को सत्ता से हटा दिया था। इसके कुछ महीने बाद ही रूस ने पूर्वी प्रायद्वीप क्राइमिया पर नियंत्रण कर लिया था। रूस ने पूर्वी यूक्रेन के बड़े इलाकों पर नियंत्रण कर लेने वाले अलगाववादियों का भी खुला समर्थन किया था। नाटो ने इसमें दखल नहीं दिया, लेकिन उसने पूर्वी यूरोपीय देशों में पहली बार गठबंधन के सैनिक तैनात कर दिए। इन सैनिकों को तैनात करने का मकसद है कि यदि भविष्य में कभी रूस नाटो क्षेत्र की तरफ बढ़े तो उसे रोका जा सके। नाटो के एस्टोनिया, लातविया, लिथुएनिया और पोलैंड में 4 बटालियन की बराबर बैटल ग्रुप है, जबकि रोमानिया में एक बहुराष्ट्रीय ब्रिगेड है। नाटो ने बाल्टिक देशों और पूर्वी यूरोप में हवाई निगरानी भी बढ़ाई है ताकि सदस्य देशों के वायु क्षेत्र में घुसने की कोशिश करने वाले रूसी विमानों को रोका जा सके। रूस ये कहता रहा है कि वो चाहता है कि ये बल इन क्षेत्रों से निकल जाएं। मौजूदा संकट में नाटो ने क्या किया है? नाटो की पूर्वी सीमाओं को मजबूत करने के लिए अमेरिका ने पोलैंड और रोमानिया में 3,000 अतिरिक्त सैनिक तैनात किए हैं। इसके अलावा लड़ाई के लिए तैयार 8,500 सैनिकों को अलर्ट पर रखा है। हालांकि यूक्रेन में सैनिक तैनात करने की कोई योजना अभी नहीं है। इसके अलावा करीब 20 करोड़ डॉलर कीमत के हथियार भी नाटो ने यूक्रेन को भेजे हैं, जिनमें जेवलिन एंटी टैंक मिसाइलें भी शामिल हैं और स्टिंगर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें भी हैं। इसके अलावा नाटो ने अन्य सदस्य देशों को अमेरिका में निर्मित हथियार यूक्रेन भेजने की अनुमति भी दे दी है। ब्रिटेन ने यूक्रेन को कम दूरी वाली 2,000 एंटी टैंक मिसाइलें दी हैं। पोलैंड में 350 सैनिक भेजे हैं और एस्टोनिया में अतिरिक्त 900 सैनिक भेजकर अपनी ताकत दोगुना की है। ब्रिटेन ने दक्षिणी यूरोप में आरएएफ के अतिरिक्त लड़ाकू विमान तैनात किए हैं और पूर्वी भूमध्य सागर में गश्त करने के लिए रॉयल नेवी का युद्धक पोत भी भेजा है।
यहाँ पहले से ही नाटो के युद्धक पोत मौजूद है। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण से पैदा हुए हालात में मानवीय मदद के लिए तैयार रहने के लिए भी ब्रिटेन ने 1000 सैनिकों को मुस्तैद रखा है। अब नाटो क्या करेगा? नाटो ने सैकड़ों लड़ाकू विमानों और युद्धपोतों को अलर्ट पर रखा है और वो रूस और यूक्रेन के सीमावर्ती इलाकों में अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है। वो अपनी रेस्पॉन्स फोर्स को भी एक्टिवेट कर सकता है जिसमें करीब 40,000 सैनिक है। नाटो रोमानिया, बल्गेरिया, हंगरी, स्लोवाकिया और ऐसे ही दूसरे देशों में अतिरिक्त सैन्य बल और लड़ाकू समूह तैनात कर सकता है। पोलैंड और बाल्टिक देशों में पहले से ही उसके लड़ाकू समूह मौजूद है। इस खबर में बस इतना ही। आगे और जानकारी के लिए शाखा 9 न्यूज़ के वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।